नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग दुबे ई मीडिया वेब एंड ऐप के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ये है कि फ्री होस्टिंग या फिर सस्ती होस्टिंग में क्या अंतर है। जो हम पेड होस्टिंग परचेस करते हैं जो काफी कॉस्टली होती है, अलग अलग कंपनीज काफी कॉस्टली होस्टिंग, कई लोग होस्टिंग के बारे में भी नहीं जानते। अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट आएगी तो एक प्रॉपर डिटेल होस्टिंग के ऊपर भी आपको बनाकर दी जाएगी। होस्टिंग क्या होती है, कैसी होती है, आपके लिए क्या सुटेबल है, किस किस प्रकार की होती है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं होस्टिंग, और चूंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है आप वेबसाइट होस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं। हम वेबसाइट होस्टिंग के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये फ्री वाले भी अवेलेबल है, क्योंकि आपने कई लोगों अलग अलग वीडियोज अगर देखे हैं तो कई लोगों के मन में सवाल आता है कि फ्री होस्टिंग फिर किस प्रकार से काम करती है, और सस्ती होस्टिंग और महंगी होस्टिंग, तो ये सस्ती और महंगी में क्या अंतर है, और अगर इसका चार्ज देना पड़ता है तो ये फ्री क्यों है। इसी सभी डिटेल के ऊपर ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से जानकारी दे पाऊं। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब अगर आपने वेबसाइट बनवाई है या वेबसाइट बनवाने जा रहे हैं, वहां पर जब बात आती है एक होस्टिंग की, होस्टिंग को अगर आप नहीं समझते हैं तो एक साधारण भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जिस तरीके से हम मकान बनाते हैं तो सबसे पहले मकान बनाने के लिए प्लॉट की जरूरत होती है, जमीन की जरूरत होती है। तो वो जो स्पेस होता है, वो जो हमारा एरिया होता है, उस एरिया को कहते हैं होस्टिंग। इसको डिटेल में समझाने के लिए, चूंकि मैं बता चुका हूँ, एक डिटेल वीडियो आप सभी तक का पहुँचाया जाएगा जल्दी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि जैसे एक स्पेस ली जाती है तो वो स्पेस को होस्टिंग कहते हैं। तो दोस्तों, वो जो स्पेस है उसका अलग अलग कंपनियों में अलग अलग चार्ज है। कहीं पर वो चार्ज 5,000-7,000 रुपए तक है। फिर ये मैं आपको मिडिल लेवल के चार्जेस की बात बता रहा हूँ, क्योंकि होस्टिंग के चार्जेस काफी ज्यादा होते हैं। पर यहाँ पर कई कंपनियों में अगर मिडिल लेवल की बात की जाए तो 4,000-5,000 रुपए सालाना होस्टिंग है। कई कंपनियों में 2,000-3,000 है, कई कंपनियों में 1,000 रुपए या 1,500 रुपए है, कई कंपनियों में 500-200 रुपए भी है, और कई कंपनियां फ्री में भी प्रोवाइड करवा रही है। दोस्तों, इतना अंतर क्यों आ रहा है, वो अंतर को ही आज समझने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है जो सस्ती होस्टिंग है। साथ ही में मैं इसके फायदे और नुकसान भी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले अभी हम पेड की और फ्री की बात कर लेते हैं। पेड मतलब जिसमें पैसे देकर आपको स्पेस लेना होती है, और दूसरा आ जाता है जो फ्री स्पेस आपको अवेलेबल मिलता है। तो दोस्तों, फ्री स्पेस जो होता है, इसके हम फायदे की बात करें तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए ही फायदेमंद है जो सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेस्टिंग करते रहते हैं, और उन्हें वेबसाइट की परफॉर्मेंस या वेबसाइट कब तक चलेगी उससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें जस्ट कुछ समय के लिए कोई एक्सपेरिमेंट करके देखना है, कुछ चीजें टेस्ट करके देखना है, तो वो उस स्पेस का यूज कर सकते हैं। अलग अलग कंपनियां प्रोवाइड करवाती हैं, पर उसमें कई सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, कई सारे बाउंडेशंस आ जाती हैं। आपको कई सारे आपकी वेबसाइट पर एड शो होने लगते हैं, आपकी वेबसाइट पर आपका प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं होता, जब चाहे वो वेबसाइट बंद भी हो सकती है, उसके लिए आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी टेक्निकल एरर आती रहती है, उसमें प्रॉपर आपको कोई टाइम पर सपोर्ट नहीं मिलता। ऐसी कई सारी समस्याएं आपको फ्री प्लेटफॉर्म के तहत देखने को मिलती है। चूंकि आप भी इस चीज को समझते होंगे कि कोई व्यक्ति कोई सुविधा जो कि मार्केट में पैसों से अवेलेबल हो रही है और वो आपको अगर फ्री में दे रहा है, तो वो कुछ ना कुछ उसके नुकसान तो बहुत सारे होंगे, पर कुछ ना कुछ उस कंपनी को उसका जरूर लाभ होगा। वो लाभ ये हो जाता है कि आपकी जो वेबसाइट आपने मेहनत से बनाई है, या उसके अंदर जो आपका डाटा आपने काफी मेहनत से उसके अंदर सेटअप किया है, वो सारा उस कंपनी के हाथ में चला जाता है। तो दोस्तों, ये एक उसके मैंने आपको प्लस पॉइंट भी शुरुआत में बताया कि आपको बस एक टेस्टिंग के लिए प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जहाँ पे अपना प्रोग्रामिंग या टेस्टिंग आप ऐसे कुछ कर सकते हैं, पर आपको नुकसान कई सारे देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं हम पेड होस्टिंग की। दोस्तों, कोई कंपनी अगर आपसे पैसा ले रही है, ज्यादा पैसा ले रही है, तो दोस्तों ज्यादा पैसा सीधी सी बात है, इसका भी एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूंगा कि गाड़ियां मार्केट में कई सारी अवेलेबल है। डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। आपको कम बजट है अगर आपका, तो आप छोटी बाइक लेंगे। अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप बड़ी बाइक लेंगे। और बड़ी और छोटी में यह अंतर आएगा, आप फिर अगर आपने पैसा लूना का दिया है, लूना का पैसा देने के बाद आप उससे हायाबुसा की स्पीड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, या बुलेट की स्पीड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, या बुलेट के फीचर्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वहीं अगर आप चाहते हैं कि हमें बुलेट की सर्विस मिले और लूना के पैसों में मिल जाए, तो दोस्तों वो भी संभव नहीं है। जहां आपको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, मतलब जब आप बुलेट के पैसे देते हैं और बुलेट खरीदते हैं, तो आपको बुलेट की ही सुविधाएं मिलती है, उसका आनंद मिलता है,
और अगर आप लूना के पैसे देते हैं तो आपको लूना के फीचर्स मिलते हैं। वही चीज आ जाती है इस वेबसाइट के अंदर भी, जो सस्ते और महंगे का रोल आ जाता है। ये वेबसाइट डिजाइनिंग के चार्ज में भी ये वाली बातें शामिल होती है और आपकी होस्टिंग में भी ये बातें शामिल होती है कि आप चार्ज कम देते हैं तो आपको सुविधाएं फीचर्स कम मिलते हैं, सपोर्ट कम मिलते हैं, सर्विसेज कम मिलती है। ज्यादा पैसा देते हैं तो एक अच्छा सपोर्ट, एक अच्छा भरोसा और अच्छा विश्वास के साथ में अच्छी सर्विसेज हमको दी जाती है। यहाँ पर बात आ जाती है, कई लोग अगर होस्टिंग परचेज करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमें टाइम टू टाइम सपोर्ट मिलता रहे, गाइडेंस मिलता रहे, तो आप ई मीडिया वेब होस्ट से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ई मीडिया वेब एंड ऐप से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइड करवाएंगे, हम आपको टेक्निकल सपोर्ट और टाइम टू टाइम गाइडेंस भी प्रोवाइड करवाएंगे। उसके लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7999906109। आई होप आपको इस वीडियो में ये तो समझ में आया है कि फ्री होस्टिंग और पेड होस्टिंग में अंतर क्या होता है, कम कीमत और ज्यादा कीमत में होस्टिंग में अंतर क्या होता है। मुख्य बात आ जाती है, सारांश के तौर पर बात की जाए तो सर्विस और सपोर्ट की। जो सर्विस, जो कंपनी आपको टाइम पर और जल्दी सपोर्ट प्रोवाइड करवाए, आपकी होस्टिंग का जो प्लेटफॉर्म हो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे, आपको समस्या न दे, वहां पर हमारा पैसा देना जायज है। 1000-2000 रुपए न देखते हुए, क्योंकि आपके 1000-2000 रुपए अगर आप कम करके कोई सस्ती होस्टिंग परचेस कर लेते हैं तो आपको जो नुकसान होंगे वो नुकसान ये 1000-2000 से कई ज्यादा बड़े होने वाले हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप हमें अपना सवाल व्हाट्सएप पर लिखकर भेज सकते हैं या हमें SMS कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 7999906109। और साथ ही अगर आप न्यूज पोर्टल या वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो भी ई मीडिया वेब ऐप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7999906109। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।